सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए आज फिर से नया वीडियो के साथ, चलिए किचन की तरफ, क्या बना रहे हो दिखा। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन। तो चिकन मैंने इस तरह से काट के धो के रखा है। अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। आज मैं बना रही हूँ चिकन चाप। तो चिकन को अच्छे से काट के इस तरह से बड़े बड़े 3 लेग पीस है और इस तरह से 2 पीस है। तो इसको अच्छे से काट के धो के रखा है। अभी नमक ऐड करेंगे। इधर मसाला रेडी है। मसाले में मैंने लिया गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी 1.5 चम्मच जितना, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 2 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। और इधर दही भी मैंने मिक्सर में एक बार घुमा के रेडी कर लिया। तो सबसे पहले चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। नमक अच्छे से लगा लेते, पहले नमक लगा के इसको रख देंगे थोड़ा टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास जितने भी टाइम हो आप अपने हिसाब से करिए। और इधर दही मैंने मिक्सर में एक बार घुमा दिया। इधर दही को भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो ये सबको पहले एक साथ पहले अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि बड़े बड़े पीसेस है, बहुत से लोग इसमें कट नहीं लगाते हैं। मैंने कट लगाया कि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके रख देंगे थोड़े टाइम के लिए। मैं आधा घंटा कम से कम रखूँगी, बाकी जो भी मसाला रेडी होने तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको रख देंगे रेस्ट पर। आप चाहो तो फ्रिज पर रखो या बाहर, अभी हमारे इधर बारिश चालू है तो थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसे बाहर ही रखूँगी। तो सब कुछ रेडी है, अभी मैं प्याज कट के मसाला रेडी करके फिर आप लोग। कढ़ाई में तेल डाल दिया, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया। अभी प्याज डाल दिया, प्याज को अच्छे से लाल करके इसका पेस्ट बना लिया। तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला क्योंकि एकदम में हो जाएगा। पहले प्याज को अच्छे से लाल करके खा दें। इसका अच्छे से लाल हो गया, अभी इसको निकाल लेंगे। और इधर मिक्सर में मैंने 1 चम्मच काजू और 3-4 हरी मिर्ची रखा है। तो इसको पेस्ट बना लेंगे। मेरे को ना आजकल बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि आप मम्मी ने हाँ मेरे गाँव में आयुष बता देगा क्या क्या कर। ये जो काजू और हरी मिर्ची रखा है इधर मिक्सर में, पहले इसका पेस्ट बना लेंगे। और अभी चिकन को एक एक करके ना थोड़ा सा मैं फ्राई कर देंगे, हल्का सा इसको फ्राई कर देंगे। दोबारा इसी कढ़ाई में बना लेंगे। सबसे पहले इसको निकाल के
कढ़ाई रेडी करके फिर आप लोग को देंगे। जितना घी डाल दिया अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी दालचीनी और चिकन के फ्राई करके जो तेल है ना ये तेल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जो मसाला है ना सूखा मसाला जो चिकन में मैंने बिखरा था जितने भी सूखा मसाले हैं वो सारा मैं तेल में ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से खा लूँगी। और दालचीनी को भी इसमें लाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है। और किचन में जो मैंने मैग्नेट किया था, जो उसमें मैग्नेट किया था उसमें डाल दीजिए। मैग्नेट किया हुआ जो मसाला था वो इसमें डाल के मसाला अच्छे से भूनिए। ये थोड़ा घी कच्चा है तो इसको जैसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें उसके बाद गैस को फाइल करें अच्छे से मसाले को दही गरम हो गया। देखिए ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल आ रहा है। अभी हम लोग गैस को फास्ट करेंगे। हाँ, और ये जो काजू हरी मिर्ची उसको हम लोग पेस्ट बनाया उसका अभी उसको डालेंगे इधर। ये जो पेस्ट बनाया ये मसाला अच्छे से हो गया। ये मसाला फ्राई किया हुआ है ना तो ज्यादा कुछ पेस्ट ऐसा करना नहीं है तो इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मसाले को अच्छे से एक सब डाल के मिक्स करके भून लें। एक से दो मिनट के लिए मसाले का अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आता है। वैसे मसाला अच्छे से हो गया है तेल ऊपर अच्छे से आ गया है। अभी चिकन इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे क्योंकि चिकन थोड़ा बड़े बड़े पीस है ना तो पकने में टाइम लगेगा। और ये जो प्याज है ना फ्राई किया हुआ है और तेल भी जो भी है ये भी इसके साथ मिक्स कर लिया और इसको हम लोग 10 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके अब इसको हम लोग डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और तेल और मसाला जो भी है वो थोड़ा सा ऐड करके गैस लो ही है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इसको 10 मिनट तक होने देते अच्छे से। तो भाई देखिए चिकन इस तरह से रेडी हो गया चिकन चॉप हमारा और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया तेल अच्छे से ऊपर आ गया। मसाला जो पीस के रखा है उसमें से थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर नमक इस टाइम चेक कीजिए। अब इसको स्लो गैस पे क्योंकि चिकन का पीस थोड़ा बड़ा है ना तो स्लो गैस पे इसको 5-7 मिनट होने दो। अब उसके बाद चिकन को ले लिया उसका मैं ये वीडियो सर्कल ऐसे बनाऊंगा। चिकन का कलर कुछ चिकन खाने के लिए रेडी है ना जूस और मसाला चिकन के अंदर तक चला गया इससे भी मैंने बीच बीच में कट लगाया मसाला और एक चीज ऐड करेंगे वो जरिए लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे। और इसको कल हम लोग का चिकन चाप एकदम रेडी है। अभी गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच जितना गुलाब का पानी या रोज वाटर जो भी बोलो इसमें अच्छा स्मेल आ रहा है टेस्ट है। चिकन चॉप और आपको क्या अच्छा लग रहा होगा ये चिकन चॉप तो आपको ये चिकन चॉप
आपको अच्छा लगा। आज मम्मी बहुत कमाल खाली मसाले को तैयारी किया होगा। मसाला तैयार करने के बाद उनका तबीयत खराब हो गया, फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें मम्मी बहुत कमाई है तो आज मैं ही बोला, तो आज मैं एंडिंग कर रहा हूँ। आज मम्मी सॉरी उधर। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लाइक और सपोर्ट जरूर करना। सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट करना। तो आज के लिए ना, बाय, गुड नाइट।